हाय दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मेरी रेसिपीज अगर आपको पसंद आती है तो वीडियोस के दिए गए नीचे लाइक बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पास्ता की रेसिपी, टोटली इंडियन पास्ता रेसिपी, जो बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैंने यहाँ पे जो पास्ता का यूज़ किया है वो रवा से बना हुआ पास्ता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हेल्थ वाइज अच्छा है। और जो वेजिटेबल्स है, कैप्सिकम, मटर, कैरेट, बीन्स, अनियन, जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा खुरदरा मैंने पेस्ट लिया है, ग्रीन चिली, ये सारी सब्जियाँ मिनरल्स से और वाइटामिन से भरी हुई हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम देखते हैं प्रोसेस। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे और इसमें वाटर ऐड कर लेंगे। हमने 1 से 1.5 कप पास्ता लिया था तो 3 कप हम वाटर ले लेंगे। हमें इसे बॉयल करना है तो हम 3 कप पानी लेके इसे गैस स्टोव पे रखेंगे और बॉयल होने तक वेट करेंगे। ये देखिए, पानी बॉयल हो चुका है तो अब हम इसमें पास्ता को ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे और फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर देंगे और फिर कवर कर देंगे इसे। 7 से 10 मिनट लगेंगे इसे पकने में। बीच बीच में हमें इसे चेक करते रहना होगा कवर को निकाल करके। आइए हम इसे एक बार चेक करते हैं। एक्चुअली पानी में उबाल आने लगता है तो इसलिए पानी बाहर ना आ जाए, इस वजह से हमें बीच बीच में चेक करते रहना होगा और हम इसे फिर से कवर कर देंगे एक बार चला करके। जब तक पास्ता फ्राई होता है तब तक हम दूसरी तरफ वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम फ्राई पैन को गैस स्टोव पे रखेंगे इसे हीट होने के लिए। और यह हीट हो चुका है तो अब हम इसमें तेल को ऐड करेंगे। हमें 1.5 से 2 चम्मच टेबल स्पून ऑयल को ऐड करना है, फिर हम इसे हीट होने के लिए छोड़ देंगे। हमें फ्लेम को मीडियम में ही रखना है। ये देखिए, तेल हीट हो चुका है तो अब हम इसमें 1/2 टी स्पून जीरा को ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज होगा तो हम समझ जाएंगे ये फ्राई हो चुका है। ये देखिए, जीरा का कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें सारा वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। मैंने प्याज को धो करके अलग अलग कर लिया था, आप देखिए प्याज को। फिर ग्रीन चिली, बीन्स, कैप्सिकम, सारे सब्जियां हम डाल देंगे इसमें और इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। अच्छे से इसे फ्राई करना है हमें। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद सब्जियों को हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। रेड चिली पाउडर भी ऐड कर देंगे हमें जितना चाहिए और इसे अच्छे से सॉटे करेंगे और हमें अनदर 2-3 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में ही, विदाउट कवर किए हमें फ्राई करना है। पास्ता पक चुका है और ये देखिए, तो अब हम गैस स्टोव को बंद कर देंगे और पास्ता को ठंडे पानी से धो लेंगे अच्छे से और एक तरफ निकाल के रख लेंगे। मैंने इसे जाली में निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे और फिर से किनारे करके रख लेंगे। इस तरीके से हमें धो करके रख लेना है ताकि सारा पानी बाहर आ जाए और ये सब ड्राई रहे। सब्जी भी अब फ्राई हो चुका है, ये देखिए। तो अब हम इसमें पास्ता को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें किसी सॉस का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि विदाउट सॉस ही यह बहुत
डेलीशियस और टेस्टी लगता है। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे। मैंने इसे बहुत ही हेल्दी बनाने का कोशिश किया है। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में ही, फिर ये रेडी हो जाएगा। हम सर्व करने से पहले धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर लेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारे चैनल को ग्रो कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।